Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. Teaching is a profession that teaches all other professions. क्या खूब कहा है, शिक्षण वो पेशा है जो सभी पेशे को सिखाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था। और इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रथम शिक्षक गणों को पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष भारत में 44 शिक्षक गणों को पुरस्कृत किया गया। इन 44 में से हम आपको 4 शिक्षकों की अनोखी प्रोत्साहित कहानियाँ सुनाना चाहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। संजीव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के अनोखे टीचर है, जो कि एक डेंटिस्ट और पहलवान भी रह चुके हैं। 2009 में वह टीचर बने और टीचिंग को एक नई दिशा दिखाई। उनका मानना है कि खेलकूद और पढ़ाई सिक्के के एक ही पहलू है, और इसीलिए उन्होंने एक अभियान भी चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाड़ी बनाओ। अभी वे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं। वह अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि वो क्षेत्र घनी पहाड़ियों में जंगली जानवरों से घिरा हुआ था, उसके बाद भी उनका परिवार उनके साथ वहां रहने आया। उनका घर स्कूल से 200 किलोमीटर दूर था, तो वह स्कूल के पास ही शिफ्ट हो गए। दूसरे बच्चों को इस स्कूल में लाने से पहले उन्होंने अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल करवाया। अपने बच्चों के साथ उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को और उनके परिवार वालों को बेटी बचाओ और बेटी को खिलाड़ी बनाओ का अभियान भी प्रचार किया। विद्यार्थियों को शिक्षित कराने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से काम किया, और प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 13 से 70 बढ़ा दी। कोरोना संक्रमण में भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और बच्चों को रेडियो के द्वारा पढ़ाया, और आज उनके इसी नेक कार्य के वजह से वह नेशनल टीचर्स अवार्ड से पुरस्कृत है। अगली कहानी हम जानेंगे उत्तर प्रदेश निवासी तृप्ति माहौर की, जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज रामपुर में टीचर है। वे कक्षा 10वीं और 12वीं की बच्चियों को सोशल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाती है। वह कहती है कि वह गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती है जहां मेजॉरिटी लड़कियां निचले वर्ग से आती है। अपने टीचिंग के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए वह प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करती है। जब इतिहास ग्राफिक से बताया जाए तो फिर क्या ही कहना। वे बताते हैं कि कोरोना के चलते उन्होंने लेक्चर्स के वीडियोस रिकॉर्ड करके बच्चों को पढ़ाया है, ताकि शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रेलवे की समस्या के चलते एक बच्ची स्कूल छोड़ने वाली थी, पर उन्होंने अपनी स्कूटी पर उसके बाकी के 3 साल तक लेने और छोड़ने का जिम्मा उठाया, ताकि उस बच्ची की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। वह गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशंस में सुधार लाना चाहती है और काफी हद तक लेकर भी आई है। लर्निंग शुड बी फन टू इलिसिट इंटरेस्ट, ये कहना है हमारे अगले नेशनल टीचर अवार्डी मोहम्मद अली का। इन्होंने टीचिंग 2006 में कारगिल के छोटे गांव कनूर से की थी। इनके शिक्षा को लेकर अनोखे अंदाज से यह बहुत प्रचलित है। आपको बता दे कि 3 इडियट्स के सोनम वांगचुक भी इनसे काफी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एजुकेशन में ज्यादा भरोसा रखते हैं। वह ग्रेड वाइज क्लासेस नहीं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस में ज्यादा रुचि रखते हैं। इनके यहाँ कोई भी बच्चा किसी क्लास का नहीं बल्कि सब्जेक्ट इंटरेस्ट का होता है। इनके
इस अनोखे स्कूल में टोटल 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, गेम्स, उर्दू, लाइब्रेरी। अगले नेशनल टीचर्स अवार्डी है अजीत कुमार सेठी। यह ओडिशा के कनमना गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर है। उनको बड़ा दुख होता था जब वह देखते थे कि स्कूल की रचना सही नहीं है, पानी और टॉयलेट की भी कमी है। बस उन्होंने तय किया कि वे स्कूल की हालत को सुधार के रहेंगे। उन्होंने दो अलग अलग शौचालय का निर्माण किया, साथ ही साथ एक न्यूट्री गार्डन और आरओ की भी सुविधा की, ताकि बच्चों को और अन्य स्टाफ को साफ पीने का पानी मिले। उनका मानना है कि लर्निंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। इसीलिए उन्होंने हर सब्जेक्ट के रिलेटेड एक सॉन्ग बनाया था